ओके तो अब नेजोफेरिंग्स का जो है ना हम ट्यूमर डिस्कस करेंगे। बिनाइन ट्यूमर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? एंजियो फाइब्रोमा और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नेजोफेरिंजियल फाइब्रोमा या फिर जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियो फाइब्रोमा। जुवेनाइल क्यों कहा है? क्योंकि एज के मुताबिक 10 to 20 एज के बीच में जो है ना ये होता है। अच्छा बेसिकली ये वर्ड में ही देखे लिखा हुआ है। एनजीओ मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स के मतलब के टिश्यू इसमें होंगे, फाइबर मतलब के फाइबरस टिश्यू इसमें होगा, और ओमा मतलब के कैंसरस मास है, तो ये बेनाइन मास है। ओमा है तो बेनाइन है, कार्सिनोमा होते तो वो मैलिग्नेंट होता है, तो ये ओमा लिखा है तो मतलब कि ये क्या है? बेनाइन मास है। ओके तो बेसिकली इसका जो कॉज है ना वो अननोन है, लेकिन मेनली जो है ना ये मेल में होते हैं। मेल में होते हैं कौन से मेल? जो के प्यूबर्टी के एरिया मतलब प्यूबर्टी के एज वाले 10 to 20 वाले। तो इसमें क्या होते हैं मतलब कि इनके कॉज तो ऑफ कोर्स ये अननोन ही है, लेकिन ये वाले जो है ना पेशेंट जिनमें एनजियो फाइब्रोमा डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाती है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं। मतलब उसका मतलब ये है कि मतलब एक टर्म बुक में लिखी हुई है हार्मेटोमस नाइडस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब उनकी जेनेटिकली उनकी एक एरिया है जो कि स्पेसिफाइड हुई हुई है कि इधर ये इसको अब एंजियोफाइब्रोम को इधर ग्रो होना होगा। अभी इसकी एग्जांपल इस तरह ले ले कि ये क्ले पॉट है, ऑफ कोर्स इसमें पौधे ही उगेंगे ना, ठीक है, इसमें पौधे ही उगते हैं ना क्ले में, क्ले पॉट में। तो ये क्ले पॉट क्या है? ये हार्माटोमस नाइडस है, और ये जो प्लांट है ये एंजियोफाइब्रोमा है। तो इस वाले इस जगह पर क्या होगा? अब एंजियोफाइब्रोमा बनेगा। कैसे बनेगा? जब भी मैंने क्या कहा था, प्यूबर्टी वाले मेल्स जिनमें अब ऑफ कोर्स प्यूबर्टी के टाइम ट्यूब मैंने क्यों लिख लिया, टेस्टोस्टेरोन जो है ना इंक्रीज हो जाता है, हॉर्मोन्स उसकी वजह से जो है ना ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब एंजियोफाइब्रोमा तो इसमें जो है ना एनजीओ भी है मतलब कि ब्लड वेसल्स के सेल्स भी हैं, और अंदर फाइबरस टिश्यूज़ भी हैं मतलब उसके जो है ना सेल्स भी हैं। इनके कॉम्बिनेशन से जो है ना ये बन जाता है। लेकिन देखिए मतलब इसमें इस टाइप का फॉर एग्जांपल ये मास है जो कि जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, और इससे जो है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए जो है ना जब एंजियोफाइब्रोमा का मास होगा ना नेसोफेरिंक्स में, नेसोफेरिंक्स में ही होगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेसोफेरिंक्स या रूफ ऑफ द नेसोफेरिंक्स उधर ही होगा। तो इसको जो है ना टच भी नहीं कर रहा है, इसको प्रोबिंग भी नहीं कर रही, जिस तरह नेजल पॉलिप होते हैं। पॉलिप क्या होता है? एक एडिमेटस नॉन कैंसरस ग्रोथ वो भी होती है, लेकिन उसको हम टच कर सकते हैं या प्रोब के थ्रू टच कर सकते हैं, तो उसके थ्रू वो ब्लीडिंग नहीं करते। लेकिन एनजियो फाइब्रोमा में जो है ना ये फजूल की जो है ना टचिंग वचिंग नहीं करनी है, इसकी वजह से ये ब्लीड होता है। अब ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये ब्लीड क्यों करता है? ब्लीड इसलिए करता है ना कि देखिए नॉर्मली जो ये जो ब्लड वेसल्स बनती है ना उसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। उसमें जो है ना मसल कोट होती है, और सबसे पहले क्या होता है, एंडोथीलियम होता है, बाहर उसके मस्कुलर कोट होती है, और उसमें सिरोजा की आउटलाइनिंग भी होती है। ये तीनों से बनी हुई है। लेकिन एंजियोफाइब्रोमा में क्या है? एंजियोफाइब्रोमा में सिर्फ जो है ना एंडोथीलियम है बस, इसमें कोई मस्कुलर नहीं है, कोई मस्कुलर लेयर नहीं है, कोई सिरोजा की कवरिंग नहीं है इसमें, तो सिर्फ एंडोथीलियम है। तो जब भी मतलब अब ये क्या करेगा, ये अब वो विदस्टैंड नहीं कर सकता जो ब्लड प्रेशर चेंजेस आए। ये तो ऑफकोर्स कैंसर ही है, बिनाइन मास है, तो वो अपने लिए ब्लड वेसल खुद बना रहा है, तो ऑफकोर्स नॉन नेचुरल है, उसकी तरह तो नहीं होगा। तो इस वजह से जो है ना ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसलिए भी मस्कुलर मास नहीं, तो टच कर ले तो ब्लीड हो गया टच से, या ख़ुद भी जो है ना नेजल ब्लीडिंग खामखा होती है। तो अब सिनेरियो आपके पास अगर आए कि एक पेशेंट है 10 to 20 एज है उसकी, और उसके नाक से जो है रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रही है। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस सिर्फ एनजियो फाइब्रोमा में होती है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना सारा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट दिस एनजियो फाइब्रोमा। अब जो है ना इसके एक्सटेंशंस डिस्कस करते हैं। अच्छा तो एक्सटेंशंस मतलब कहाँ कहाँ ये जो है ना एक्सटेंड कर सकता है? ऑफ कोर्स मास है, नॉन कैंसरस मास है, लेकिन हर जगह अपने सराउंडिंग एरियाज़ में जो है ना ग्रोथ ऑफ कोर्स करेगा। तो सबसे पहले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोर्स करवाएगा, क्योंकि नेसोफेरिंग्स का जो है ना जिधर जिस तरह एडिनाइड वाली जगह पर एडिनाइड हाइपरप्लेजिया हो गई थी, जगह बंद कर दी थी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, यहाँ पर उसी तरह ही उसी सेम वाली लोकेशन में आगे पीछे
मास बन जाएगा, इसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एपिस्टैक्सिस हुई है और नेजल डिस्चार्ज होगा। ये हो गया नेजल कैविटी का। और इसके अलावा जो है ना, ऑफ कोर्स जब नेजल कैविटी जो है ना बंद है तो पैरानेजल साइनसिस भी जो है ना वो भी प्रॉपर एरिएट नहीं हो पाएगी, तो उसमें मैगजिलरी, स्पिनोइडल, इथमोइडल, फ्रंटल सारे साइनसाइटिस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा जो है ना सराउंडिंग एरियाज हैं जैसे टेरिको मैगजिलरी फोसा है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है, चीक्स हो गए हैं, ये सारी एरियाज भी इन्वॉल्व हैं। ये पहुंच जाएगा ऑर्बिट में, ऑर्बिट में कहाँ से पहुंचेगा, बाय सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, वो ओपनिंग होती है ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर इंटर हो गया ऑर्बिट में, उसकी वजह से जो है ना ये प्रोप्टोसिस करवा देगा, प्रोप्टोसिस एंड मतलब इसमें जो है ना फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी हो जाएगी। प्रोप्टोसिस आंख, आंख की प्रोप्टोसिस का क्या मतलब, अगर ये आई सॉकेट है और ये इस तरह आंख है तो प्रोप्टोसिस की वजह से जो है ना आंख और भी बाहर 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 निकली हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा जो है ना इसमें चले वो फिर बाद में क्लिनिकल फीचर्स में एक्स्ट्रा बात है वो बाद में कर दूंगा। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना ये क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में भी जो है ना एक्सटेंड कर सकता है बाय मिडल क्रेनियल फोसा के थ्रू, तो उधर भी जो है ना मतलब डिफरेंट ट्यूमर एक्सटेंशंस हो सकती हैं। ओके, तो अब क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या हुआ कि एज है ऑफ द 10 to 20 एज है और मेल्स में है, और उसके अलावा जो है ना इसमें क्या थी, प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस थी, एपिस्टैक्सिस या एपिटैक्सिस नहीं है ठीक है, एपिस्टैक्सिस है ओके। और उसके अलावा अब देखें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी, तो नेजल में क्या है, नेजल कैविटी में मास पड़ा हुआ है जिसकी वजह से रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हो रही है, और नाक भी बंद है तो जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है और डी नेजल स्पीच भी है। मतलब देखिए मैंने भी डाक अपनी बंद कर दी है, मेरी देखिए स्पीच चेंज हो गई है, ये डी नेजल स्पीच हो गई है, और मास इन द नेजोफेरिंग्स है, और मास इन द नेजोफेरिंग्स को मैंने कहा था कि प्रोबिंग इसमें नहीं करनी क्योंकि ऑफकोर्स इसमें मस्कुलर कोट नहीं है तो इट विल ब्लीड। अच्छा, इसके अलावा मास इन द नेजोफेरिंग्स पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या हमारा नेजल ब्रिज ब्रॉड हो जाता है, मतलब ये नाक है इसमें इस तरह मास पीछे की तरफ पड़ा हुआ है, इसकी वजह से नेजल ब्रिज में ये नेजोफेरिंग्स वाला पीछे एरिया ठीक है बड़ी ठीक है, तो इसकी वजह से नेजल ब्रिज की इस तरह ब्रॉडनिंग हो जाती है। और क्रेनियल कैविटी में जब इन्वॉल्व हुआ है तो 2, 3, 4, 5 ये सारी नर्व्स को भी जो है ना इन्वॉल्व, सॉरी 5 नहीं है 6 है, इन नर्व्स को भी जो है ना इन्वॉल्व कर देगा, मतलब ट्यूमर यहाँ भी एक्सटेंड हो सकते हैं, तो इस इन नर्व्स की जो अपनी अपनी फंक्शन है उनकी भी पैथोलॉजी आ जाएगी। अब जब इसको क्लिनिकली डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोज देखें अपने, हमने जो है ना सॉफ्ट टिश्यू लेटरल, सॉफ्ट टिश्यू का एक्सरे करेंगे लेटरल व्यू ऑफ द नेजोफेरिंक्स, उसमें जो है ना हमें सॉफ्ट टिश्यू एक्सपेंशन नज़र आ जाएगी, और उसके अलावा जो है ना एक्सरे ऑफ द पीएनएस भी कर देंगे, उसमें जो है ना हमें जो ये जो पैरानेजल साइनसिस थी इनकी भी जो है ना एक्सटेंशन नज़र आ जाएगी, और जो है ना एक्सरे के थ्रू जो है ना बेस ऑफ द स्कल के भी जो है ना बोनी एक्सटेंशन नज़र आ, मतलब बोनी इन्वॉल्वमेंट जो है ना शो हो जाएगी इसकी, मतलब ये सब पार्ट्स में एक्सटेंड कर रहा है ना। और उसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई भी हम करेंगे, उसमें जो है ना हमें डिटेल्ड मतलब पता चल जाएगा कि कितनी इरोजन्स हुई हैं, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हुई हैं, मतलब उसमें हम कॉन्ट्रास्ट करते तो हमें जो है ना बिल्कुल क्लियर व्यू में नज़र आ जाता है, तो इसलिए जो है ना ये सीटी स्कैन और एक्सरे में सिर्फ यही फ़र्क होता है जिसके थ्रू हमें मतलब बेटर व्यू नज़र आता है एक्सटेंशन का। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना हम जो है ना इसकी एंजियोग्राफी भी करेंगे, एंजियोग्राफी के थ्रू हमें क्या पता चल जाएगा कि इस जो कैन जो ये बिनाइन मास है तो इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ कहाँ है, मतलब कितनी इसकी ब्लड सप्लाई है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मास है तो इसकी फॉर एग्जांपल ये सारी ब्लड सप्लाई है, हमें एंजियोग्राफी के थ्रू पता चल गया है, मतलब फीडिंग वेसल्स इसकी बेसिकली हमें पता चल गई है। तो हम जो है ना अब इसकी ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में ऑफकोर्स ये मास है इसको ही रिमूव करेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले हमने मतलब इसकी जो है ना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन सर्जरी के थ्रू भी जो है ना सर्जरी के दौरान भी जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने क्या करना है, एंजियोग्राफी कर दी हमें जो है ना फीडिंग हमें वेसल्स पता चल गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है ना इनकी ये सारी जो फीडिंग वेसल्स है ना इनको ब्लॉक कर देंगे, तो जब ब्लॉक कर दिया तो अब जो है ना इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो उस तरह की एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होगी ठीक है, और ये जो है ना ज़रूरी इसलिए है कि एक ब्लीडिंग भी प्रिवेंट हो गई, और हमने जो है ना 24 to 36 आवर्स के अंदर जो है ना ये सर्जरी प्लान करनी है, कि ये ना हो कि फिर और भी एक्स्ट्रा ये फीडिंग वेसल्स ये खुद बना दे, क्योंकि ये क्या नॉन कैंसरस मास है, इसमें तो एबिलिटी है अपने आप को खुद जो है ना ब्लड वेसल्स अपनी तरफ बनाने की, तो वो जो है ना अपने आप को दोबारा ब्लड बना सकता है, तो इसलिए जो है ना हमने
ये ज़रा प्लान करनी है, टाइमिंग ज़रा वो करनी है। अच्छा, अब इसके जो है ना डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू जो है ना हम ये जो है ना मास रिमूव करेंगे। एक हो गया ट्रांसपेलेटाइन अप्रोच, एक है ट्रांसपेलेटाइन प्लस सब लेबियल अप्रोच, एक है इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच, एक हो गया इंफ्राटेम्पोरल अप्रोच, इंडोस्कोपिक अप्रोच, ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच, ये सारी बुक में लिखी हुई हैं। इस अप्रोचेस के थ्रू जो है ना हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम जाना मैनेज कर रहे हैं। हर एक में डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्रोथ एंड सिचुएशन हम जो है ना अप्रोच करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब ये तो हो गई इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा ये नॉन कैंसरस मास है तो रेडियोथेरेपी हो गई है, कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने मैंने क्या कहा था, ये जो है ना मेल में होते टेस्टोस्टेरोन की, ये मेल में हो रहे तो मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे, तो एंटी तो इस मतलब के एंड्रोजन एंटागोनिस्ट देंगे जो कि जो है ना मतलब यहाँ पर इनके रिसेप्टर्स को और सब कुछ ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो है ना ये स्टॉप हो जाएगी या प्रिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एंजियोफाइब्रोमा हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं।